Very good afternoon, one and all present here, respected speaker and all my dear friends. आज मैं यहाँ पे जो मेरा सिटी एजेंडा है वो है ड्रग फ्री सिटी. सबसे पहले तो ये जो तीन ड्रग हैं जो इंडिया के अंदर में लीगल हैं, जिन पे जिनको बंद करना है, वो है एफेड्रीन, सिंथेटिक ड्रग है, इसका नाम है कैटामाइन, और तीसरा है मेटामफिन. ये जो एक्चुअल में है, अब ये लीगलाइज है, तो सबसे पहले नकेल कसने के लिए हम वो सारे मेडिकल स्टोर्स को ये कर सकते हैं, उसमें अंडर कवर हम लोग खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं कॉलेज स्टूडेंट, कि हम लोग अंडर कवर जाके उस ड्रग के बारे में पूछें उनसे, अगर वो देते हैं तो फिर उनको फिर लाइमलाइट में लाया जाए और उन पर नकेल कसी जाए. दूसरा कि जो लाइसेंस अभी तक में जो अल्कोहल जो शॉप्स हैं जहाँ पे दारू बिक रही है, उन लोगों को उनको जितना लाइसेंस दे दिया जा चुका है बस उस तक रिस्ट्रिक्ट रखें और नए नए शॉप्स नहीं खोलें. मैं अपने कॉलेज के आसपास देख रहा हूँ काफ़ी नए बियर शॉप्स और अल्कोहल के शॉप्स खुल चुके हैं, जिसके कारण आधे से ज़्यादा जनता क्लास अटेंड करने की बजाय नशा करके बैठती है. सबसे इम्पॉर्टेंट गांजा, उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मतलब गांजा के अंदर में ये है कि अगर हम एक पैकेट गांजा अगर कहीं से नेपाल से या दूसरी जगह से आ रहा है, तो ये चीज़ हमें को समझना पड़ेगा कि उस एक पैकेट का गांजा एक टेररिस्ट के बुलेट को स्पॉन्सर कर रहा है. तो अपने कंट्री के इकोनॉमी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग को नशा पे नकेल कसनी चाहिए. मैं आप लोग से छुपा नहीं रहा हूँ, मैं खुद एक ऐसा आदमी हूँ जो रिहैब सेंटर से होके आया हूँ और मैंने 3 महीने रिहैब सेंटर में गुजारा है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आगे अंदर की सिचुएशन क्या है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो रिहैब सेंटर है उसमें जो सुबह शाम पिटाई होती है वो ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा रिहैब सेंटर खोले जाए. ओके, थैंक यू. एनी क्वेश्चंस ऑन द फ्लोर? क्वेश्चंस? तन्मय. पहले तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है, थैंक यू. लेकिन एक बात मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कॉलेजेस के आसपास जैसे आपने बताया खुलता है वो ट्रुथ है, तो इसमें आप क्या वर्कफोर्स को इंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि अकेले नहीं करी जा सकती. जी, ये बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा होता है कि मुझे पता है, पर्सनली मैं बता सकता हूँ कि बीबीटी और एमईटी के पास में कौन कौन गांजा दे रहा है. हर एक पेडलर का नंबर मेरे फोन में है, मैं अभी के अभी उसको पुलिस में ले जाके दे सकता हूँ, लेकिन वो मैं तभी कर पाऊंगा जब मुझे सपोर्ट मिले. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरे पास हर एक पेडलर का नंबर है, मैं उसे अभी फोन करूंगा, फ्लिपकार्ट की तरह आके जितने पैसे का पैकेट है वो मुझे डिलीवर करेगा यहाँ पे. तो ये जब इजिली अवेलेबिलिटी है किसी भी ये जो इसको बोल सकते हैं नशा की चीज़ों का, तो ये सब चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी. इसको नकेल कसने के लिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की और सिटी मिनिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, लॉ एंड जस्टिस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो मुझे हेल्प करें ताकि ऐसे लोगों को रोकथाम किया जाए. क्योंकि आप देखिए जो नई जींस है वो ख़राब हो रही है. आप आज हमसे काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि हमारे ऑफिसर्स क्यों नहीं है, इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट क्यों नहीं है. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो यूथ की जनता है वो टॉमी सिंह बनना चाहती है, तो टॉमी सिंह की तरफ हम लोग कम बढ़ें और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को याद करते हुए हम लोग एक राइट ट्रैक में भी बढ़ सकते हैं. मैं इसलिए पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने टॉपिक इसलिए चूज़ किया है कि मैं खुद 3 महीने रह के आया हूँ एंड आपके सामने आज खड़ा हूँ, 1 साल हो गया मुझे हाथ लगाए हुए, तो आप खुद देख सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. वोट्स फॉर